लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर फिर चेतावनी रेखा को पार कर गया है। गंगा खतरे के निशान से केवल आधा मीटर नीचे बह रही है। गंगा का जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की आशंका भी जताई गई है, इसलिए प्रशासन ने सभी गंगा घाटों पर निगरानी बढ़ा दी है। जल पुलिस को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। मुनि की रेती में एंट्री नहीं मिलने से रिक्शा और ई ऑटो चालक अब बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए चालक लगातार अधिकारियों की ओर से टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की नजरें इनायत चालकों पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चालकों ने शहर में जुलूस निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चालकों ने एसडीएम से ई ऑटो को मुनि की रेती में राम झूला लक्ष्मण झूला तक एंट्री दिलाने की मांग की है। मोदी जी के सपने के साकार करने के लिए आत्मनिर्भर निर्भर एवं स्वच्छ भारत के अंतर्गत ई ऑटो प्रदूषण मुक्त का संचालन हो रहा था काफ़ी समय से है, 4-5 साल से, और अभी भी चार धाम यात्रा एवं कांवड़ मेले को भी बड़ा अच्छी तरीके से संपन्न करवाया। उसके बाद टिहरी पुलिस प्रशासन ने अचानक से परिवहन विभाग के सचिव का शासनादेश का हवाला दे करके, जो हवाला था वो शासनादेश ई रिक्शा का था, उसी में ई ऑटो भी कैटेगरी अलग अलग है, उसी का हवाला दे करके इन लोगों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि गुरुद्वारे से आगे इनको नहीं जाने दिया जाए। नोएडा सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के चोटपुर गांव में एक पीड़ित को ठगने के लिए किया गया फोन। ठगी करने वाले गिरोह मध्य प्रदेश राज्य से करते थे ठगी के लिए फोन। गिरोह के सदस्य यूपी कॉप साइट से पीड़ित की वादी की एफआईआर को डाउनलोड कर झांसे में लेकर प्रशासन के खर्चे का हवाला देकर पैसे की मांग करते थे। वादी से फोन पर बात कर उसकी शिकायत का हल और जल्दी कार्रवाई का दिया दिलासा। फोन कर अपने आप को जिले का बड़ा अधिकारी, कमिश्नर कार्यालय, प्रभारी कलेक्ट्रेट और बड़े पद का ओहदा बताकर 1,000 से 5,000 तक की ठगी का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आया था जिसमें एक व्यक्ति पुलिसकर्मी बनकर कुछ एक वादी से पैसे की डिमांड कर रहा था। तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया, और जब पाया गया तो उसमें जो व्यक्ति था वो ओरछा का रहने वाला मिला, उसका नाम धीरेन्द्र यादव है। वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। ये वहाँ पर एक गिरोह की तरह काम करता है। ये लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह है कि यह लोग यूपी कॉप ऐप, जो एक ऐप है, उसमें एफआईआर अपलोडेड होती हैं, तो उनकी एफआईआर ऑनलाइन निकाल कर ये लोग वादी को कॉल करते थे और मुकदमा एक्सपेडाइट कराने का नाम पर उससे 3 से 5 हज़ार रुपये की डिमांड करते थे। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति आशीष ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आशीष का कहना है कि किस तारीख में वो अपनी कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित जनरल स्टोर की दुकान पर काम कर रहा था कि इतने में ही उसके बराबर में दुकान पर मौजूद उसके चाचा के लड़कों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आशीष का कहना है कि हमारा पुराना पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मेरे ऊपर 21/8/2024 को शाम 4:30-4 बजे के करीब मेरी दुकान पर हमला किया गया सरियों द्वारा, जो मेरे चाचा के लड़के हैं, बराबर वाली दुकान पर रहते हैं, उनका नाम सजल व तारुष, पुत्र श्री अजय कुमार है। कोई पुराना विवाद था हमारे बीच में, उसको लेकर उन्होंने मेरे पे आक्रमण किया, हमला करा और मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसके तहत मैंने कोतवाली नगर में FIR दर्ज करा दी है, मेडिकल हो गया है और उनकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, और वो मेरे पे बार बार FIR वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं तू जान से मार देंगे, और तू जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार, और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रही है। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है और धमकी पे धमकियां मिली जा रही है मुझे बार बार। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन से लापता जिला पंचायत सदस्य का मिला शव। मखाल पुल नदी में मिला लापता जिला पंचायत सदस्य का शव। पुलिस टीम गुमशुदगी दर्ज कर जिला पंचायत सदस्य की कर रही थी तलाश। कोतवाली भिंगा के दहाना बस स्टेशन के पास का निवासी बताया जा रहा है मृतक। जिनका शव मिला वो धनंजय यादव जिला पंचायत सदस्य है, जिनके बारे में कल गुमशुदगी दर्ज की गई थाना भिंगा में। इनके परिजन आए थे कल और लगातार टीमें इनकी तलाश कर रही थी। आज जो इनकी बॉडी मिली है, बॉडी को पंचायतनामा किया जा रहा है, इसके बाद पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिसका शव मिला है वो धनंजय यादव है, जो कि वर्तमान में वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य थे। परसों से 21 तारीख की शाम 8 बजे से घर से निकले, उसके बाद लापता हो गए। तो परसों रात में हम लोग खोजे, फिर कल पूरा दिन खोजे, कल जो फिर हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद से सर्विलांस सेल के द्वारा पता किया गया कि राप्ती नदी का लोकेशन मिल रहा था। हम लोग लगातार कोशिश जारी थी, उसके बाद में आज अभी आधे घंटे पहले लाश बरामद हुई है।
तो अब मर्चरी हाउस पे आए हैं, पीएम होना, उसके बाद कुछ क्लियर होगा कि क्या हुआ। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर में जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन कचहरी परिसर खुलेआम गलियों के साथ बन रहा जंग का अखाड़ा है। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा प्रकरण मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय प्रादेशिक सेना की एक टुकड़ी ऐतिहासिक साइकिल यात्रा पर निकली। सियाचिन लेकर समुद्र के तट अंडमान निकोबार के आखिरी आइलैंड तक लंबी यात्रा निकाली जा रही है। सियाचिन से होते हुए भारतीय प्रादेशिक सेना की टुकड़ी दिल्ली होते हुए आगरा पहुंची और आगरा से में अधिकारियों ने साइकिल यात्रा का स्वागत किया। यह साइकिल यात्रा भारतीय प्रादेशिक सेना के 75 वर्ष पूरे होने पर आमजनों को प्रादेशिक सेना से जोड़ने के लिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। मेरा नाम मेजर अभिजीत है और मैं इस एक्सपेडिशन में एज टीआईसी एंड टीम लीडर के पद पर हूं। और हम लोगों ने एक्सपेडिशन सियाचिन की ऊंचाइयों से स्टार्ट किया है, जहां पर हम ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर से स्टार्ट करते हुए पांच जो मेजर पासेस हैं वहां पर खारदुंगला, टांगचांग, टांगटांगला और बाकी बारलाचला, ये पासेस हम लोग पूरा करके नदन प्लेन्स से होके दिल्ली से होके अब यहां पर आए हैं। हमारा यहां से आगे सफर ग्वालियर, सागर, नागपुर, सिकंदराबाद और फिर चेन्नई से होते हुए पोर्ट ब्लेयर जाएगा। पोर्ट ब्लेयर से हम सेलिंग करते हुए इंदिरा पॉइंट पहुंचेंगे और इंदिरा पॉइंट पे हम स्कूबा डाइविंग करके जो एक्चुअल इंदिरा पॉइंट है, जो कि तकरीबन 30-40 मीटर अंडर वाटर है, वहां पर हम अपना तिरंगा गाड़ेंगे। एंटी करप्शन सहारनपुर टीम द्वारा कच्ची सड़क मुजफ्फरनगर से विद्युत विभाग के TG2 मनीष गुप्ता को 500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मद्देनजर एडीजी जोन ने दौरा किया। अपने दौरे के तहत एडीजी वाराणसी पीयूष मोडेरिया ने पुलिस भर्ती परीक्षा का जायजा लिया। उन्होंने एग्जाम कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। आरटीओ सिद्धार्थनगर ने जिले के शौदगढ़, इटावा, डुमरियागंज में कई गाड़ियों को किया चालान, नोटिस दिया। मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के आदेश पर लगातार चल रही है डगमगा वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान। डुमरियागंज में टीम बनाकर की जाएगी चेकिंग अभियान। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के निर्देश में सिद्धार्थनगर जिले में लगातार चल रहा है डगमगा वाहनों के खिलाफ अभियान। मुजफ्फरनगर में SSP आशीष सिंह के निर्देशन पर लगातार मुजफ्फरनगर की पुलिस शातिर वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के अंतर्गत थाना शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सफलता के अंतर्गत शहर कोतवाली पुलिस के द्वारा शहर कोतवाली क्षेत्र के नियाजीपुरा रोड पर स्थित गुडलक बैंकट हॉल के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान चरथावल की ओर से आए लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के अलमासपुर में एक बंद मकान में युवक ने तमंचे से अज्ञात कारणों के चलते खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। युवक के द्वारा खुदकुशी की सूचना से घर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। आज सुबह थाना नई मंडी को सूचना मिली कि एक युवक द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची। वहां मौके पर तुषार नाम का व्यक्ति और जिस असले से उसने गोली मारी थी वो वहाँ पे बरामद हुआ। जब उसके घर के लोगों से बात की गई तो उसके परिवार जनों द्वारा बताया गया कि वो वहाँ पे अकेले रहता था और ताला बाहर से बंद था। उसके घर वाला द्वारा ही ताला खोला गया था और वहाँ पे संभवतः ये सुसाइड का केस है। FSL की टीम बुला करके इसमें साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर नाव से, जहां महाराष्ट्र के नासिक जिले के पांचाले गांव में हाल ही में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में रामगिरी महाराज द्वारा मुसलमानों के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के बाद देश और विदेश में मुसलमानों के बीच गहरी नाराजगी और आक्रोश उत्पन्न हो गया है। एक धार्मिक संत ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। गुस्ताखी इस्लाम के लीडर की शान में हो या किसी मजहब के लीडर की शान में हो, गुस्ताखी बुरी चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी ना कर सके, और ऐसे कानून की मांग करनी चाहिए पूरी जनता को हिंदुस्तान में। रायबरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में लगी सेंध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे छात्र को पुलिस हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। पकड़ा गया मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज केंद्र का है, जहां उपेंद्र पुत्र मोदीलाल निवासी पूर्वा ताल थाना बेला जनपद औरैया शहर के आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज में अपने गले से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डालकर प्रथम पाली की परीक्षा दे रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। झांसी के पुलिस थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 35 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पड़ोसियों ने युवक को देखा, सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मूसलाधार बारिश से बढ़ा लखनंदा नदी का जलस्तर। बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के पास पहुंचा पानी। मंदिर के पिलर के ऊपर तक पहुंचा पानी। धारी देवी मंदिर को माना जाता है साल 2013 के केदार आपदा का कारण। मंदिर की मूर्ति को मूल स्थान से हटाए जाने के बाद केदारनाथ धाम में देखने को मिला था जल प्रलय। देखिए, ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए
ये जो धारी की जो रोड जा रही है ये पानी रोड पे आ जाता है, इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। हमने बहुत ही शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई है कि कृपया जो है दीवार लगाई जाए, हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार लगाएंगे। पैगंबर मोहम्मद की शान में रामगिरी महाराज द्वारा अमर्यादित अवसंवैधानिक टिप्पणी के विरोध में सितारगंज और मुलसिंह समाज के लोगों ने सितारगंज तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा। साथ ही ज्ञापन में लिखा है कि महाराज के नासिक जिले के गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान पैगंबर मोहम्मद की शान में रामगिरी महाराज ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ की हुकूमत और केंद्रीय हुकूमत ये उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दे और कार्रवाई करे। हमारी बस यही मांग है और कोई मांग नहीं। दिवंगत संत पायलट बाबा के उत्तराधिकारी के चयन हो गया है। द्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में पायलट बाबा की मुख्य शिष्या रही किको आयकावा को पायलट बाबा का उत्तराधिकारी चुना गया है। जापान की रहने वाली केको आयकावा को साधक योग माता के नाम से जानते हैं। पिछले कई सालों से पायलट बाबा के योग और ध्यान शिविरों पे रहती है।